हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू टीवी स्कूल। कल असी रिफ्रैक्शन के उत्ते थोड़ा जिहा कीता सी, पहला केस कीता सी। ठीक है, मैं तुहानू दस्सिया सी कि उहदे होर भी काफ़ी केसिस ने। ठीक है, अज असी उहदे नैक्सट केसिस डिस्कस करांगे। ठीक है, नैक्सट केस जिवें कि आपां कल पहला केस कर लिया सी, हुण सैकेंड केस की है। ठीक है, वैन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड इन रेयर मीडियम एंड इमेज फॉर्म्ड इज वर्चुअल। ठीक है, ऑब्जेक्ट जिहड़ा है वह कितने पिया हो, रेयर मीडियम से इमेज जी बनती है वह कितने बनी हो, वर्चुअल। ठीक, फॉर एग्जाम्पल फिर तो ही कॉन्वैक्स स्फेरिकल सरफेस है। ठीक है, किड़ा वाला केस ले रहे थी, कॉन्वैक्स स्फेरिकल सरफेस, कॉन्वैक्स स्फेरिकल सरफेस। ठीक, कॉन्वैक्स स्फेरिकल सरफेस। हाँ जी, हूँ आप जो अजम्पशंस लिते थे वो अजम्पशंस की सके कि जोड़ा ऑब्जेक्ट लेना दैट इज दैट शुड बी ऑफ पॉइंट साइज। इस फॉर्म च पॉइंट साइज ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट गया। ठीक है, इनू आप इस हिसाब में रखना है, इनू ना अगर यदि इमेज वर्चुअल है तो यह इस पोल के काफ़ी पास रखना है। ठीक है, इस पोल से पास रखना। ठीक है, ऑब्जेक्ट साइज पॉइंट साइज। ठीक है, सी दैट इज सेंटर ऑफ कर्वेचर, आप इधरों एक नॉर्मल ड्रॉ करना है। ठीक है, नॉर्मल ड्रॉ करता। ठीक, हूँ ये इंसीडेंट रे तो नॉर्मल रे। ठीक है, इधरों की जी इमेज है वह किमें बन रही है, वर्चुअल। अगर वह वर्चुअल बन रही है यदा मतलब कि वह सेम सेट ऑफ लेंस से बनेगी। आप कॉन्वैक्स का लास्ट एक्सैप्शन केस किया, जब इमेज जी वर्चुअल होंगी वह की बनती है, जिस साइड से ऑब्जेक्ट पे उस साइड से इमेज बनती है। ठीक है, ये ऑब्जेक्ट आ गया, ये इमेज आ गई, दिस इज पोल पी, सेंटर ऑफ कर्वेचर सी। ठीक, हूँ फिर तो द एंगल फॉर्म्ड बिटवीन इंसीडेंट रे, इंसीडेंट रे एंड द नॉर्मल, ये आ गई नॉर्मल, इन लिखता एन। इधर मैं स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करती, वही जो आप कल डिस्कस किया एस पी इज़ वेरी क्लोज टू एम, सो एन पी इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू एन एम, बिकॉज एस पी इज वेरी क्लोज टू एम। क्लियर, हूँ देखो द एंगल फॉर्म्ड बिटवीन, द एंगल फॉर्म्ड बिटवीन द इंसीडेंट रे, दिस इज द इंसीडेंट रे एंड द नॉर्मल, दिस इज कॉल्ड एंगल ऑफ इंसिडेंस, दिस इज कॉल्ड एंगल ऑफ इंसिडेंस आई, द एंगल फॉर्म बिटवीन द इंसिडेंट रे एंड द नॉर्मल रे इज कॉल्ड एंगल ऑफ इंसिडेंस। हूँ दूसरा देखो, द एंगल फॉर्म बिटवीन द रिफ्रैक्टेड रे, ये रिफ्रैक्टेड रे तो यह कि नॉर्मल रे। ठीक है, नॉर्मल तो रिफ्रैक्टेड इन्हों के देखो, ये नॉर्मल आ गई, ये रिफ्रैक्टेड रे। ठीक है, दिस इज कॉल्ड द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ठीक, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ठीक है, ये नॉर्मल आ गई तो इस फॉर्म आ गई, या तुम इदा भी बना सकते हो, ये भी कि रिफ्रैक्टेड एंगल है। क्लीयर, मतलब ए वाला एंगल तो टोटल वाला, ये दोनों सेम होंगे। ठीक है, नॉर्मल, नॉर्मल तो रिफ्रैक्टेड। ठीक है, नॉर्मल तो रिफ्रैक्टेड, दिस इज द क्लीयर। हूँ उस तो बाद देखो, ये ऑब्जेक्ट के नाल जो एंगल बनाता इन्हों पर अल्फा नाम दिता सीगा, इमेज के ना जो बनाता है इन्हों पर दिता से बीटा, तो लास्ट वाला दैट इज गामा। क्लीयर, हूँ देखो उस तो बाद ये डिस्टेंस ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ये इमेज डिस्टेंस, तो यह रेडियस ऑफ कर्वेचर बाद डिस्कस करते हैं। ठीक, सब तो पहले उही ट्राइंगल ले लो। ठीक है, एक्सटीरियर एंगल इक्वल टू, सब तो पहले जी आप थ्योरम पढ़ी है, एक्सटीरियर एंगल इक्वल्स टू सम ऑफ ऑपोजिट इंटीरियर एंगल। स्टेप सारे सेम टू सेम ने, स्टेप याद रखने हैं। सब तो पहला स्टेप की रखना तुम्हें यार, एक्सटीरियर एंगल विच इज इक्वलेंट टू सम ऑफ ऑपोजिट इंटीरियर एंगल, दिस इज द फर्स्ट पॉइंट। सैकेंड की रखना तुम्हें यार कि एंगल जोड़े लेने, जिमें फॉर एग्जाम्पल अल्फा बीटा गामा, ये निकालने उस बाद टेन अल्फा टेन बीटा टेन गामा। ठीक, टेन अल्फा टेन बीटा टेन गामा इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू अल्फा बीटा एंड गामा फॉर स्मॉल एंगल। उस तो बाद थर्ड स्टेप की रखना है, स्नेल्स लॉ की रखना है,
स्नेल्स लॉ, स्नेल्स लॉ तो करने तो बाद जो भी टर्म आएगी आई दी वैल्यू से आर दी वैल्यू से पुट करके सॉल्व कर देना, जो भी आएगा वो तुम्हारा फाइनल रिजल्ट होगा। हूँ फिर तो अगेन इधर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू वन, इधर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू टू, ए डेंसर मीडियम दे रेयर मीडियम, अपन लेट कर लेते हैं ये जो रेयर मीडियम है ये एयर है, ठीक है। एक्सटीरियर एंगल हूँ देखो नॉर्मल दे नाल इंसीडेंट रे, हमेशा इसी फॉर्म से रखना, नॉर्मल दे नाल इंसीडेंट रे वाला एंगल ट्राइंगल लेना, फिर नॉर्मल दे नाल रिफ्रैक्टेड रे वाला ट्राइंगल लेना। हूँ देखो नॉर्मल दे नाल इंसीडेंट रे ये आ गया ट्राइंगल ओ एन सी, ओ एन सी। हूँ देखो ओ एन सी आ गया एक्सटीरियर एंगल सम ऑफ ऑपोजिट इंटीरियर एंगल दैट इज आई इक्वल्स टू अल्फा प्लस गामा, आई इक्वल्स टू अल्फा प्लस गामा। हूँ दूसरा ट्राइंगल देखो इमेज नाल नॉर्मल आई एन सी इन ट्राइंगल आई एन सी, ठीक आई एन सी। हूँ देखो ए एक्सटीरियर है दिस इज इक्वल टू सम ऑफ ऑपोजिट इंटीरियर एंगल, इधर डायरेक्ट आ गया आर इज इक्वल टू बीटा प्लस गामा, क्लियर आर इक्वल टू बीटा प्लस गामा। हूँ नेक्स्ट देखो नेक्स्ट स्टेप की सी अपा की करना है टेन अल्फा टेन बीटा ते टेन गामा की वैल्यू करनी है, अल्फा बीटा गामा, क्लियर। फॉर स्मॉल एंगल देखो फॉर स्मॉल एंगल टेन अल्फा इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू अल्फा, तो टेन अल्फा की वैल्यू की आएगी अगर ये ट्राइंगल है, ठीक है ओ एन सी, ठीक टेन अल्फा इज परपेंडिकुलर दैट इज एन एम अपॉन ओ एम, ठीक है एन एम अपॉन ओ एम। सिमिलरली फॉर टेन बीटा विच इज इक्वल एंड सिमिलर टू बीटा, टेन बीटा दैट इज परपेंडिकुलर अपॉन बेस एन एम अपॉन आई एम, ठीक है। मैं आई पी दिएगा आई एम ही ले रहे हैं क्योंकि पी इज वेरी क्लोज टू एम, मैं दस हजार अप्रोक्सीमेटली अपन इस फॉर्म से ले सकते हैं एन पी इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू एन एम, ठीक है एन पी इज वेरी क्लोज टू एम, सो आई पी इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू आई एम एंड ओ पी इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू ओ एम, क्या करके मैं डायरेक्ट वैल्यू लिख रहे हैं, ठीक है। सिमिलरली पी सी इज अप्रोक्सीमेटली सिमिलर टू एम सी, ठीक। हूँ देखो नेक्स्ट दैट इज टेन गामा, टेन गामा की वैल्यू की होगी टेन गामा इज परपेंडिकुलर अपॉन बेस एन एम अपॉन एम सी, क्लियर अल्फा बीटा ते गामा स्मॉल एंगल्स वास्ते। हूँ देखो इस तो अगला स्टेप की सीगा मैं तुम कहते स्नेल्स लॉ, ठीक है स्टेप बाय स्टेप याद रखना है। सब तो पहले एक्सटीरियर एंगल इक्वल टू सम ऑफ ऑपोजिट इंटीरियर एंगल, इनू स्टेप नंबर वन याद रख लो, ठीक है स्टेप नंबर वन, ठीक जेदे विच तुसी आई ते आर दी वैल्यू कटनी है, किदी किदी वैल्यू कटनी है आई एंड आर। उस तो बाद फिर स्मॉल एंगल्स का इनू तुसी अज्यूम कर लो स्टेप नंबर टू, ठीक हाँ जी स्टेप नंबर थ्री। स्टेप नंबर थ्री विच की करना तुसी हुण देखो स्टेप नंबर थ्री दैट इज अकॉर्डिंग टू स्नेल्स लॉ, ठीक है अकॉर्डिंग टू स्नेल्स लॉ। हुण देखो वही स्टेप बार बार रिपीट करी जा रहे हैं, पहले ए वाला स्टेप हर एक वास्ते कॉमन, ठीक है। हुण तीसरे स्टेप विच भी की आएगा म्यू वन इंटू साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसीडेंस इक्वल्स टू म्यू टू इंटू साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन स्मॉल एंगल्स वास्ते, साइन आई अप्रोक्सीमेटली सिमिलर टू आई एंड साइन आर इज अप्रोक्सीमेटली सिमिलर टू आर, हेंस म्यू वन इंटू साइन आई आई इज इक्वल टू म्यू टू इंटू आर, क्लीयर। हूँ आई ते आर दी वैल्यूज जीडिया सी वो पुट करनी अपना, हूँ आई दी वैल्यू की है म्यू वन इंटू आई दी वैल्यू है अल्फा प्लस
गामा क्लियर ते आर दी वैल्यू किन्नी की है दैट इज इक्वल टू म्यू टू बीटा प्लस गामा क्लियर अल्फा प्लस गामा एंड बीटा प्लस गामा क्लियर हूँ देखो ये वैल्यूज ने म्यू वन अल्फा इधरों की कट ली अल्फा की वैल्यू की है एन एम अपॉन ओ एम प्लस गामा की वैल्यू की नहीं है एन एम अपॉन बीटा की वैल्यू एन एम अपॉन आई एम प्लस गामा की वैल्यू एन एम अपॉन एम सी क्लियर म्यू वन की वैल्यू आ गई सारे विचों एन एम कॉमन है एन एम कॉमन लेके कट करता है साडे कोल की बच गया वन अपॉन ओ एम प्लस वन अपॉन एम सी इक्वल टू म्यू टू वन अपॉन आई एम प्लस वन अपॉन एम सी क्लीयर हूँ देखो ओ एम की वैल्यू तो एम सी की वैल्यू तो आई एम की वैल्यू इतने देखो ओ पी या ओ एम की वैल्यू दैट इज इक्वल टू माइनस यू आई एम की वैल्यू दैट इज इक्वल टू माइनस वी एम सी की वैल्यू दैट इज इक्वल टू आर रेडियस ऑफ कर्वेचर क्लीयर हूँ देखो ओ एम ओ एम दैट इज द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस म्यू वन माइनस वन अपॉन यू प्लस एम सी एम सी इज वन अपॉन आर इक्वल टू म्यू टू आई एम की वैल्यू की है दैट इज इक्वल टू माइनस वी ते एम सी इज वन अपॉन आर क्लीयर हूँ देखो म्यू टू माइनस म्यू वन अपॉन आर फिर तो ही स्टेप ये उधर गया आर दोनों विच वन अपॉन आर सी कॉमन लिया तो की आ जाएगा नीचे आर इक्वल्स टू ये उधर गया मतलब इधर वाली टर्म देखो माइनस म्यू वन अपॉन यू इन ये मल्टीप्लाई करता म्यू वन अपॉन यू ए किया माइनस म्यू टू अपॉन वी ये इधर जाके माइनस किया जाएगा प्लस म्यू टू अपॉन वी क्लियर है ये देखो फिर तो स्टेप देखो म्यू वन अपॉन आर तो म्यू टू अपॉन आर ठीक है ए वाली टर्म उस साइड गई की हो जाएगा म्यू वन उधर जाके माइनस हो जाएगा म्यू टू माइनस म्यू वन आर दोनों इज कॉमन आ गया इक्वल्स टू म्यू वन अपॉन यू ए इस फॉर्म च एज इट इज तो ए वाली माइनस ही इतने आके प्लस हो गई क्लीयर हूँ देखो फिर तो वही केस अगर म्यू वन रेयर मीडियम च है ए च है तो यदि वैल्यू हैगी दैट इज इक्वल टू वन तो म्यू टू लैट कर लिया म्यू तो साढ़े को आ जाएगा म्यू माइनस वन अपॉन आर इक्वल्स टू माइनस वन अपॉन यू प्लस म्यू अपॉन वी दिस इज द फाइनल रिजल्ट थर्ड केस इज व्हेन ऑब्जेक्ट प्लेस इन द डेंसर मीडियम ऑब्जेक्ट प्लेस इन द डेंसर मीडियम एंड द इमेज फॉर्म्ड इज रियल ऑब्जेक्ट नून डेंसर मीडियम रखता तो इमेज जी बन रही है वो इमेज बन रही है दैट इज रियल ठीक डेंसर मीडियम पे देखो फिर तो कॉन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस इस फॉर्म च ठीक इस फॉर्म च हूँ देखो हूँ ऑब्जेक्ट केड़े मीडियम च पे है डेंसर मीडियम इतने ऑब्जेक्ट पे है ऑब्जेक्ट प्लेस इन द डेंसर मीडियम तो जी इमेज बन रही है वो किमें बन रही है इमेज फॉर्म्ड इज रियल मीन्स इदा कोई ऑब्जेक्ट है रे गई इतने इमेज फॉर्मेशन हुई आई हाँ जी इमेज बनी इस पॉइंट पे ठीक है हूँ ये देखो ये जी रे है ये एक्चुअल मीट वाली रे है किड़ी है एक्चुअल मीट वाली हूँ देखो अपना नॉर्मल ड्रॉ किया दिस इज द नॉर्मल सी ठीक नॉर्मल आ गया हूँ देखो एंगल ये देखो ये नॉर्मल ये इंसीडेंट रे ते नॉर्मल रे एन ठीक है द एंगल फॉर्म्ड बिटवीन द इंसीडेंट रे ते नॉर्मल रे इन आप कहेंगे एंगल ऑफ इंसीडेंस आई ठीक एंगल ऑफ इंसीडेंस हूँ नेक्स्ट देखो द एंगल फॉर्म्ड बिटवीन द रिफ्लेक्टेड रे मीन्स एक मीडियम तो दूसरे मीडियम से गई रिफ्लेक्टेड रे ते नॉर्मल दे विच ठीक है ये तो ये दिस इज कॉल्ड एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन ठीक है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हूँ देखो इन आप लैट करते हुए दिस इज कॉल्ड अल्फा इनू इमेज वाले
बीटा एंड दिस इज द गामा. क्लियर. ए मीडियम म्यू वन तो हूँ ए मीडियम म्यू टू. क्लियर. ए डेंसर मीडियम तो ये रेयर मीडियम. ठीक है. या फिर इनू म्यू वन इनू म्यू टू लेट कर सकते हैं. हाँ जी. म्यू वन तो म्यू टू हूँ देखो सेम वही जड़े केस किते स्टेप वन स्टेप टू तो स्टेप थ्री. सब तो पहले स्टेप वन देखो. स्टेप वन की सी क्या हूँ तो तुम्हें याद हो जाना चाहिए. ठीक है. एक्सटीरियर एंगल इक्वल्स टू सम ऑफ ऑपोजिट इंटीरियर एंगल. ठीक है. तुम अगर देखो तुम ये तीसरा केस कर रहे हैं अपना. ठीक है. तीसरा केस कर रहे हैं पर तुम एक चीज का ध्यान रखना है कि जेड़ा मर्जी केस है तुम सब तो पहले तुम अजम्पशंस ते साइन कन्वेंशन जरूर लिखने जो मैं बिल्कुल स्टार्टिंग में दसे थे तुम. ठीक है. ये तुम ठीक है लोंग क्वेश्चन में आ जाता है. ठीक है. लोंग क्वेश्चन में जो आ गया तो तुम अजम्पशंस ते साइन कन्वेंशन लिखनी ही पैनी है. ठीक है. हूँ देखो एक्सटीरियर एंगल इक्वल टू सम ऑफ ऑपोजिट इंटीरियर एंगल. हूँ देखो ए रहा ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट ते नॉर्मल ए वाला एंगल कड़ा बन गया. हूँ ए वाला ट्रायंगल देखो ओ एन ते सी ओ एन सी. देखो एक्सटीरियर कड़ा है ओ एन सी. दिस इज द एक्सटीरियर एंगल विच इज इक्वल टू सम ऑफ ऑपोजिट इंटीरियर एंगल मीन्स गामा इक्वल्स टू आई प्लस अल्फा. इधरों की आई की वैल्यू आ जाएगी गामा माइनस अल्फा. ठीक. सब तो पहले इंसिडेंस की वैल्यू निकालनी है फिर रिफ्रैक्टेड एंगल की वैल्यू निकालनी है. हूँ देखो दूसरा देखो एरिया नॉर्मल ते रिफ्रैक्टेड इन्हों भी जो बन रहा है आई एन सी आई एन सी. ठीक. आई एन सी आ जाएगा दैट इज एक्सटीरियर एंगल इज आर सम ऑफ ऑपोजिट इंटीरियर एंगल आर इक्वल टू बीटा प्लस गामा. इक्वेट दिस इज इक्वेशन नंबर टू. क्लीयर. हूँ देखो नेक्स्ट स्टेप जोड़ा गया यह स्टेप नंबर वन. हूँ स्टेप नंबर टू की है. स्टेप नंबर टू फिर तो स्मॉल एंगल्स वाला मीन्स टेन अल्फा इज अप्रोक्सीमेटली सिमिलर टू अल्फा टेन बीटा इज अप्रोक्सीमेटली सिमिलर टू बीटा एंड टेन गामा इज अप्रोक्सीमेटली सिमिलर टू गामा. टेन अल्फा देखो टेन अल्फा इज अप्रोक्सीमेटली सिमिलर टू अल्फा फॉर स्मॉल एंगल विच इज इक्वल टू टेन अल्फा की वैल्यू देखो इनू डॉटेड लाइंस नाल ए पोल पी अप्रोक्सीमेटली सिमिलर टू एम. ठीक. टेन अल्फा इज परपेंडिकुलर अपॉन बेस मीन्स एन एम अपॉन एम ओ. ठीक. सिमिलरली टेन बीटा इज इक्वल एंड सिमिलर टू बीटा विच इज इक्वल टू टेन बीटा इज परपेंडिकुलर अपॉन बेस दैट इज एन एम अपॉन आई एम. थर्ड इज टेन गामा इज इक्वल एंड सिमिलर टू गामा विच इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस एन एम अपॉन एम सी. ठीक है. इज स्टेप नंबर टू. हूँ स्टेप नंबर थ्री देखो. स्टेप नंबर थ्री की है दैट इज स्नेल्स लॉ म्यू वन इंटू साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इक्वल्स टू म्यू टू इंटू साइन आई. ठीक. पिछले केसिस की हो रहे थे पिछले केसिस विच वन जिहड़ा आई दे नाल बना रहे सी ते टू जिहड़ा आर दे नाल बना रहे सी. हुण इत्थे वन जिहड़ा आर दे नाल बना रहे टू जिहड़ा आई दे नाल बना रहे क्योंकि आपां डेंसर मीडियम ते ऑब्जेक्ट रखे हैं. ठीक है. मीन्स फॉर स्मॉल एंगल साइन आई इक्वल एंड सिमिलर टू आई ते एक ही बन जाएगा म्यू वन आर इज इक्वल टू म्यू टू आई. ठीक. हुण आई दी वैल्यू ते आर दी वैल्यू आपां कढ़ी हुई है. ठीक है. दोनों वैल्यूज चक के इत्थे पुट कर देनी है. सो put the value of 1 and 2 in this equation to sade kol ki ban jega mu 1 r di value r is beta plus gamma which is equal to mu 2 the value of I is gamma minus alpha. clear. hun beta alpha gamma unna di value sapa pehli kad chuke hain. hun dekho step number 1 step number 2 te step number 3 सेम चल रहे हर केस वास्ते. नेक्स्ट जेडे केस करांगे उन्ना विच भी सेम ही चलणगे. ए एज इट इज ही लर्न कर लो. ठीक. हुण देखो
वैल्यूज पुट कितनी है, की आ गया म्यू वन बीटा दी वैल्यू दैट इज एन एम पॉन आई एम प्लस गामा दी वैल्यू एन एम पॉन एम सी विच इज इक्वल टू म्यू टू गामा दी वैल्यू एन एम पॉन एम सी माइनस अल्फा दी वैल्यू एन एम पॉन क्लियर। हूँ देखो सारे में कॉमन की आ रहा है एन एम कॉमन आ रहा है एन एम कॉमन लेके कट कर दो साढ़े को आएगा म्यू वन वन अपॉन आई एम प्लस वन अपॉन एम सी इक्वल टू म्यू टू वन अपॉन एम सी माइनस वन अपॉन एम ओ क्लियर। हूँ देखो साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग एम ओ की वैल्यू की है एम आई की है तो एम सी की है वो देखो की वैल्यूज आ रही है साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग। ये देखो दिस टू दिस ये जोड़ा है दैट इज इक्वल टू माइनस यू मीनस जी डायरेक्शन विच ऑब्जेक्ट जा रहा है इस टेकन इज पॉजिटिव तो दूसरी साइड इस पॉइंट लेके उस साइड का नेगेटिव ए की आ जाएगा दैट इज इक्वल टू प्लस वी इस पॉइंट लेके इस पॉइंट तक का डिस्टेंस मीन्स एम तो लेके सी तक का डिस्टेंस दैट इज माइनस आर। ये सारिया वैल्यूज पुट कर दो म्यू वन आई एम दी वैल्यू आई एम इट इज टेकन एज पॉजिटिव एम सी दैट इज माइनस वन अपॉन आर इक्वल टू म्यू टू एम सी इज वन अपॉन नेगेटिव ऑफ आर माइनस एम ओ एम ओ इज माइनस यू माइनस माइनस प्लस प्लस वन अपॉन यू साढ़े को आ जाएगा ए सेड आ गया म्यू टू माइनस म्यू वन अपॉन आर इतने ए नैगेटिव इतने जाके पॉजिटिव क्लीयर इतने ये नैगेटिव इस साइड जाके ये पॉजिटिव इट इज इक्वलेंट टू इस साइड आया इतने आ गया म्यू टू अपॉन यू माइनस म्यू वन अपॉन बी ठीक ये साड़ी फाइनल वैल्यू आ गई। हूँ देखो यदा स्पेशल केस स्पेशल केस हूँ देखो अगर ए वाला मीडियम रेयरर है यदि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू वन तो यदि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू म्यू लेट कर ली ठीक है एयर द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू इट इज ऑलवेज टेकन एज यूनिटी किन्नी लेंदे यूनिटी मीन्स यदि वैल्यू क्या आएगी वन यदि वैल्यू भी क्या आएगी वन सो द अबव इक्वेशन विल बिकम म्यू टू माइनस वन अपॉन आर इक्वल्स टू म्यू टू अपॉन यू माइनस वन अपॉन वी क्लियर। हाँ जी यदा लास्ट केस है फोर्थ केस when the object is placed in the denser medium and the image formed is virtual ठीक इस form denser medium च एक object जो है denser medium ते पे आया ते image जो है virtual बन रही है ठीक इस form इतने कितने for example object पे है ठीक ते जो image बन रही है that is virtual इतने कितने for example image बन रही है दी ठीक ते ए सेंटर ऑफ कर्वेचर ठीक इनू नाम देता आई ते इस फॉर्म च हुण देखो ए आ गया अपना अल्फा ठीक ये देखो ए नॉर्मल सेंटर ऑफ कर्वेचर दे नाल सेंटर ऑफ कर्वेचर ते ए इंसीडेंट इंसीडेंट रे इन्हां दे विच जिहड़ा एंगल बनता है इन्हां दे विच जिहड़ा एंगल बनता है दिस इज कॉल्ड एंगल ऑफ इंसीडेंस इन ऊपर की कहते हैं एंगल ऑफ इंसीडेंस आई ठीक एंगल ऑफ इंसीडेंस आई ठीक। हूँ देखो उस तो बाद ए तो साड़ी इस फॉर्म च ए नॉर्मल है तो रिफ्रैक्शन वाली है तो इन्हों जो एंगल बनेगा दिस इज कॉल्ड एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इन ऊपर एम ले लिया पी एन ए अल्फा ए बीटा तो यह गामा ए म्यू वन तो यह म्यू टू ठीक। हूँ देखो म्यू वन तो म्यू टू ये आ गया रेयरर मीडियम तो यह आ गया अपना डेंसर मीडियम लास्ट केस है। हूँ देखो इतने इमेज जी कि बन रही थी वर्चुअल जे वर्चुअल इमेज बन रही है मीनस जिथे ऑब्जेक्ट पे है उसी
साइड से इमेज बननी चाहिए है, ठीक है, जितने ऑब्जेक्ट है उतनी इमेज बननी चाहिए ये डेंसर मीडियम च। हूँ देखो सब तो पहले स्टेप याद रखने हैं, स्टेप नंबर वन, स्टेप नंबर वन विच की सीगा, फिर तो ही स्टेप नंबर वन की सी, सब तो पहले स्मॉल एंगल्स वाला, स्मॉल एंगल तो पहले एक्सटीरियर एंगल वाला, एक्सटीरियर एंगल इक्वल टू सम ऑफ ऑपोजिट इंटीरियर एंगल। एक्सटीरियर एंगल देखो हम पहले इंसिडेंस वाली ए ली रही है, ठीक है, ए इंसिडेंस ते हे नॉर्मल ट्रायंगल के आ गया ओ एन सी इन ट्रायंगल ओ एन सी, ओ एन सी भी देखो ओ एन सी, ए इंटीरियर एंगल ए एक्सटीरियर एंगल ए भी इंटीरियर एंगल, मीन्स अल्फा इज इक्वल टू आई प्लस गामा, मीन्स आई की वैल्यू क्या आएगी, आई इज इक्वल टू अल्फा माइनस गामा। दूसरा ट्राइंगल देखो इन ट्राइंगल इमेज वाला देखो ए इमेज ते ए नॉर्मल, इमेज ते नॉर्मल वाला ए ट्राइंगल क्या आ गया दिस 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 सी एन आई, ठीक है, इन ट्राइंगल आई एन सी या सी एन आई, ठीक। हूँ इतने देखो ए आ गया साडा आर, ठीक है, ए भी की आएगा अपना आर, टोटल लॉजिकली देखे ए भी की आएगा आर, क्यों ए देखो इमेज है तो ए की है सेंटर ऑफ कर्वेचर, इन्हों का जो एंगल बनेगा दैट इज कॉल्ड एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ठीक है, ये दोनों एंगल सेम ने, मीन्स एक्सटीरियर एंगल इक्वल टू सम ऑफ ऑपोजिट इंटीरियर एंगल दैट इज बीटा इक्वल टू आर प्लस गामा, तो आर की वैल्यू की आ जाएगी इधर दैट इज इक्वल टू बीटा माइनस गामा, आर इक्वल टू बीटा माइनस गामा। हूँ देखो नेक्स्ट देखो ये सीगा स्टेप नंबर वन, स्टेप नंबर टू, तुहानू स्टेप नंबर स्टेप दस के ईजी कर रहे हैं, तुम स्टेप की फॉर्म च लर्न करोगे तो तुहानू तुहाडी कदे भी कोई गलती नहीं होगी, ठीक है। स्टेप नंबर वन, स्टेप नंबर टू, स्टेप नंबर टू विच की सीगा कि आपां स्मॉल एंगल लेने हैं, मीन्स टेन अल्फा इज अप्रोक्सीमेटली सिमिलर टू अल्फा एंड टेन बीटा इज इक्वल एंड सिमिलर टू बीटा, तो टेन गामा इज इक्वल एंड सिमिलर टू गामा, क्लियर। हूँ टेन अल्फा टेन बीटा से टेन गामा, द वैल्यू ऑफ अल्फा इज परपेंडिकुलर अपॉन बेस दैट इज एन एम अपॉन एम ओ या ओ एम, टेन बीटा, टेन बीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस एन एम अपॉन आई एम, थर्ड इज टेन गामा perpendicular upon base nm upon mc, clear, alpha beta and gamma a clear hai, hun is to agla step ki siga, step number 3 that is Snell's law, Snell's law ki kehnda kya that is mu 1 into sin r is equal to mu 2 into sin of angle of incidence, ठीक है, mu 1 into sin r, mu 1 into sin r equal to mu 2 into sin i, for small angle sin i equivalent similar to i, sin r equivalent similar to r, mu 1 into आर इक्वल टू म्यू टू इन टू आई। हूँ आई तो आर की वैल्यू आप पुट करनी है, आई की वैल्यू किनी है दैट इज इक्वल टू अल्फा माइनस गामा, तो आर की वैल्यू किनी है दैट इज बीटा माइनस अल्फा। हूँ देखो ये वैल्यू चक के पुट की हैं, ठीक है, साढ़े को आ जाएगा म्यू वन इंटू आई, सॉरी म्यू वन इंटू आर, आर की वैल्यू किनी है बीटा माइनस गामा इक्वल टू म्यू टू इंटू आई, म्यू टू अल्फा माइनस गामा, म्यू वन द वैल्यू ऑफ बीटा इज बीटा की वैल्यू कितनी है दैट इज एन एम अपॉन आई एम, सारे कॉपी पेस्ट है एन एम अपॉन आई एम, माइनस गामा की वैल्यू कितनी है एन एम अपॉन एम सी इक्वल टू म्यू टू
अल्फा की वैल्यू देखो, अल्फा की वैल्यू कितनी है एन एम अपॉन ओ एम, गामा की वैल्यू एन एम अपॉन एम सी, सारे में कॉमन क्या आ रहा है एन एम कॉमन आ रहा है, कॉमन लेके कट किया साढ़े को आ गई म्यू वन वन अपॉन आई एम माइनस वन अपॉन एम सी इक्वल्स टू म्यू टू वन अपॉन ओ एम माइनस वन अपॉन एम सी। क्लीयर हूँ देखो साढ़े को इक्वेशन आ गई, इस तो बस सिर्फ वैल्यू पुट करनी है साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग, ठीक है साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग। हूँ देखो पोल तो लेके रेडियस सेंटर ऑफ कर्वेचर ए किया गया माइनस आर, ठीक है जिस डायरेक्शन तो अपन रे भेजनी शुरू करते हैं, ठीक है इस पॉइंट तो ए वाला इट इज ऑलवेज टेकन एज नेगेटिव, ए किया जाएगा माइनस यू ए वाला माइनस बी, ठीक है वैल्यूज पुट कर दो म्यू वन आई एम दी वैल्यू आई एम इज माइनस वन पॉइंट बी एम सी इज माइनस ऑफ माइनस वन पॉइंट आर इक्वल्स टू म्यू टू वन पॉइंट ओ एम, ओ एम इज माइनस वन पॉइंट यू प्लस वन पॉइंट आर एम सी इज माइनस आर सो द माइनस ऑफ माइनस इज प्लस, ठीक म्यू वन ते म्यू टू इन आप अगर इस फॉर्म लीजिए म्यू टू माइनस म्यू वन अपॉन आर, इतने भी आर कॉमन आ रहे हैं इतने भी आर कॉमन आ रहे हैं, ए म्यू टू इतने लेके तो म्यू वन कॉमन लेके आर कटता इक्वल्स टू माइनस ऑफ म्यू टू अपॉन यू ए वाला उस साइड जाके प्लस म्यू वन अपॉन बी। क्लियर ये साडा फाइनल रिजल्ट है, ठीक फिर तो स्पेशल केस, ठीक स्पेशल केस भी देखो स्पेशल केस भी फिर तो म्यू टू की वैल्यू अगर म्यू टू इक्वल टू म्यू तो म्यू वन रेयर एंड मीडियम वास्ते एयर होए दैट इज इक्वल टू वन, तो ए इक्वेशन की बन जाएगी म्यू माइनस वन अपॉन आर इज इक्वल टू माइनस म्यू अपॉन यू प्लस वन अपॉन बी, ठीक है दिस इज द फाइनल रिजल्ट। हाँ जी कल असी कॉनकेव स्पेरिकल सरफेस वाले रे डायग्राम्स ते ओदे नाल रिलेटेड टर्म्स करांगे, ठीक है होप करदा अज वाला लैक्चर तुहानू अच्छा लगा होगा, जे फिर भी कोई डाउट या क्वेरी होगी तो साडे व्हाट्सएप नंबर या ईमेल द्वारा तुसीं पूछ सकते हो, तद तक लई धन्यवाद।